बोली घी घल रहा सक। तो नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है, पम्मी प्रेरणा ब्लॉग। तो गाइस हम जा रहे हैं भैया शादी में, और आज मैंने भैया बहुत दिनों बाद अपनी फॉर्मल कपड़े पहने हैं, मगर जूते अब भी नहीं पहने, चप्पल पहन रखी है। मैं तो नीचे छोड़ना जा रहा हूँ, क्योंकि आप भी चल लेना थोड़ी देर को, मगर चल देखते हैं। अगर मुझे अजीब लग रहा हो चप्पल में बहुत, मैं जाऊँगा नहीं। वैसे मैंने तैयार हो गया हूँ लत्ता पत्ता पैर का, मगर जूता के बिना ना बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे। तो अगर पट्टी ना हो रही होती तो मैं पहन लेता हूँ, क्योंकि सूजन बिल्कुल कम हो चुकी है पैर की, हल्का फुल्का दर्द तो चल कोई बात ना, मैं देख लेता हूँ। मगर पट्टी हो रही है, आज ही पट्टी हुई है, फिर खोलते हैं यार उसे, डेली पट्टी, हर दूसरे दिन पट्टी हो गए। बाकी चलो कोई नहीं, मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी आ रही है निशी और गुन्नू, और फिर बात करते हैं। जय बाबा। आज तो ये हेलो कर दो। हेलो गाइस, हेलो गाइस, मैं पार्टी में जा रही हूँ। मैं पार्टी में जा रही हूँ गाइस। सबूत मैं कैसे लग रही हूँ, ब्यूटीफुल लग रही हूँ, सुंदर लग रही है भाई, सुंदर। इतनी नाची है मेरे बेड में से निकाली फ्रॉक, वाह मम्मी आप कितनी अच्छी हो, मुझे ये पहनाओगी मेरी ड्रेस, मलूक लग रही है ना। बोले मासी से मैचिंग करी है मैंने, पापा मेरी मासी की। तो गाइस हम तो आ चुके हैं भाई, अभी निशी यार पता निकल के ना दे रही, पता कौन से जाकर प्लेट टन मान जाएंगे मेरे हिसाब से। हां ऐसी बाहर बाहर निकलेंगे ना, बुराड़ी की तरफ जाना। हम शादी में जा रहे हैं बेटा। बंद कर दूं? ठीक है भाई, नोना कह रही है फोन बंद कर दो, अभी फोन बंद कर देती है। तो गाइस जैसे कि आप सबको पता है, हम गए थे ब्याह में शादी में, और भैया हम आए 1 बजे से, तो मैं नहीं रुका, गुन्नू ज्यादा जिद करने लगी कि जीजू आप नहीं रुक जाओ, आज लेट हो गए, लेट हो गए मत जाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है भैया, तो आज गुन्नू कुछ खाने को मंगाएगी रात को। मम्मी बोल रही तो ना, मैंने मिल के भेज दिया, गुन्नू की वजह से रुका मैं, तो भाई गुन्नू मंगाएगी, मैं तो मजा मुझे हां मत दिखाओ, अच्छा नहीं आ रहा मुझे तो बिल्कुल भी, मत दिखा दे। तो गाइस ये अपना मेकअप उतार ली, नहीं मैं तो शीट मास्क लगा रहा हूँ, मेरा मुंह दिखा दो गाइस। मैं कैसी लग रही हूँ, मैं दिखाऊँ? तो गाइस चलो मिलते हैं, अभी मम्मी ने भाई कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करो है, मुझे नहीं पता क्या करो है, और मुंह जल रहा है, जब खाने को आ जाए नीचे टपक रहा है, तो मल दो ना 2 मिनट, मम्मी मुंह बहुत जल रहा है। तो चलो गाइस मिलते हैं और देखते हैं थोड़ी देर में क्या आएगा खाने को, फिर हम खाते हैं, फिर आप सबको भी दिखाते हैं क्या क्या खाएंगे, ठीक है भैया? तो मिलते हैं थोड़ी देर में, जय बाबा। खाना आ चुका, रात के बज रहे 3, अभी और आया, अभी याद आया, अभी और आना हो भैया, कहीं और से भी मंगाए। इधर आदित्य ब्रो, इधर अंशु ब्रो, और इधर अपना खाना। तो चलो गाइस रोटी वोटी खा लेते हैं, और नोना भी अपना मस्त होकर खा रही है, तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, जय बापा जी। तो गुड मॉर्निंग, तो भाई सो के उठ चुके हैं, और टाइम हो रहा है 11:30, 12 बज गए। तो भाई हम सुबह सुबह निकल दिए भैया गुमला नगर, क्योंकि थोड़ी सी शॉपिंग कर रही है, कहीं जाना है आज हमें, वो तुम्हें बताया गए अगले ब्लॉग में कहाँ जा रहे हैं हम, और बाकी अंशु भी जा रहा हमारे साथ, जो करा भी चल रहा हूँ, मैडम पीछे बैठी है, नींद में आ रही। तो चलो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में, वहां पहुंच गए। जय बाबा। वो की नकुल तो भी देगी, वो कैसी आ रही है मेरी देख। हां सही कर। सो गाइस हम शॉपिंग पे गए थे, पर उसके बाद यार इसके ना हाथ में दर्द रहता है, पर ये तो मेरी तो सुनता नहीं, तो फिर मैं ज़बरदस्ती इसको ले आई एक बार कि इसके हाथ पैर रुकना, एक बार एक्सरे फिर से करा लेती हूँ कि कितनी रिकवरी हुई है कितनी नहीं, क्योंकि इसके नई वाली फिंगर सीधी नहीं होती ये वाली, और इसको जिम विम की बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि जब तक ये फिंगर सीधी नहीं होगी जिम नहीं जा सकता, पैर से भी अभी थोड़ा ऐसे चलता है कि प्रॉपर नहीं चल पाता, तो इसलिए एक्सरे होगा। तो आया नहीं ना टाइम पर दिखाने, 1 महीने बाद डॉक्टर ने बोलता प्लास्टर खुलते ही दिखाना है, आया नहीं भैया, अपने तेल रगड़वा रहा देसी। तो चलो अब देखते हैं इसका एक्सरे हो जाए पैर का, फिर क्या होता है। ना धो के अपने तीनों चल दिए हैं, यू मेरी जॉन नोना, वो मेरी दूसरी जॉन निशी। तो गाइस हम जा रहे हैं नवेडा, एक बेबी शावर है,
तो वहाँ जा रहे हैं। अब गुस्सा आ गया उसे मारने का। तेरी उसकी गलती है, तूने मारा ना सर। क्या आपको गद्दिया ना? मुझे थोड़ी लगा है, तुझे लगा है। आपको गद्दिया ना? आई लव यू। आपको गद्दिया? आई लव यू। आपको गद्दिया? बाल खराब मत कर, देख पापा के बाल खराब नहीं, बाल खराब। ओह सॉरी सॉरी। तो गाइस आज भी भैया अपनी फॉर्मल ड्रेस में, नीचे चप्पल, वैसे आज पट्टी नहीं, आज बेली पहन लूंगा, लेके आया हूँ मैं, वहीं पहन लूंगा। ना पहन के देखी मैंने पहन ली। तो गाइस फिर अपनी वही लुक, फॉर्मल ड्रेस, बहुत दिनों से तरस रहा था मैं इस ड्रेस को पहनने के लिए, समझ रही है ना तू? पापा तरस रहे थे इन कपड़े। नहीं कपड़े मत उतार, नहीं बेटा नहीं, नो, बात होती है। तो चलो चलते हैं और दिखाते हैं आप सबको भी हम कहाँ जा रहे हैं। पुनीत को वेट कर रहे हैं गुरुद्वारे पे, पुनीत आ रहा है, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। जय बाबा। ये है पार्टी में से, और नोना ने भैया पोटी कर दी है, हमारे बैठना रही है सीट पे यार। और ये भी तो बताओ, तुम दोनों भाई मुझे साफ नहीं करने दे रहे, गाड़ी में स्मेल हो जाएगी, बच्चा इरिटेट हो रहा है, करने दो। तो गाइस पोटी कर दी इसमान ने बैटरी, इसमान ने बैटरी ना, हाँ तू कर रही है टट्टी। तो गाइस यहाँ पे भैया पैर में आज मैंने बेली पहन ली, सूजन आ गई है पूरे पैर में, क्या कर सकते हैं। है बेटा, हेलो गाइस। तो गाइस यहाँ पे निशी पैर दबा रही है मेरे, पापा 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 हॉर्न कैसे बज रहा हूँ ना पापा। मारो मम्मी, तुम्हारे बस की नहीं है ये मारनी, पीटो ना। ढूंढते घूमोगे तो ना साथ ना मारने में ऐसा मारने में भी प्यार करनी है। अगर मम्मी बैठ गई ना तेरे ऊपर, बैठ गई तो जान धोड़िया फोक आई है। चुप मोटी, एक मोटा हाथी, एक मोटा हाथी, दो मोटे हाथी, दूसरे हाथी को इशारे से बुलाए। देखो चप्पल मानो, ले ले। ओह गया, तो गाइस अभी चाय पी के भैया मैं देख रहा था बिग बॉस, क्योंकि मैं एक भी बिग बॉस नहीं छोड़ रहा, बिग बॉस में मजा आ रहा है यार। पहली बार देख रहा हूँ, एक मनवीर वाला सीजन देखा है, मनवीर भाई वाला एक अब देख रहा हूँ। और यू भाई सुबह से लगी पड़ी है कॉम में, अभी थोड़ी देर पहले इनकी और लड़ाई मम्मी की और इसकी पूरी नहीं, तुमने करवाई और ना मम्मी मारती भी नहीं है। आज भी पहले पिटली में जितना पिटना था। तो अभी निशी कर रही है पूरा आज घर का कॉम पहली बार। न्योज के तो मुझे लग रहा घने दिन में कॉम कर रही है के, तो नहीं यही ना पता, मुझे यही ना पता था चीनी चाय पत्ती का धरी है कुछ करती नहीं। तो गाइस अभी इसने झाड़ू वाड़ू मारा है और मुझसे इनकी दो लाशें ठिकाने लगाई है जो मरे पड़े इनके घर में भाई, इतने मुझसे इतने कॉकरोच है ना दुनिया भर के। तो चलो गाइस पूरे कमरे में दिखाना, कपड़े फैला रखे हैं, ये रे कपड़े कपड़े तय बना रही है इनके, कपड़े हैं नहीं पहनने के लिए और जगह भी नहीं है, तो क्या होएगा ये। तो चलो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में, जय बाबा की। जा रहा हूँ घर क्योंकि भैया बुआ हर आई है, बुआ का लड़का फोन आया अभी, कह रहा कहूँ भाई मैं आऊँ तो बुआ बुला रही है, तो अभी चलते हैं घर पे। और मौसम होगा भाई एकदम कंचा, जो बात है खतरनाक वाला मौसम हो रहा, हवा चल रही है, बारिश आएगी, और बारिश आ जाए तो मैं आज अपनी गाड़ी दूंगा बारिश में और खुद भी नहाऊंगा मजे थे। तो चलो भाई चलते हैं घर और मिलते हैं घर पहुँच कर, जय बाबा की। तो गाइस मैं घर पहुंच चुका हूं, और गाइस पहले मैं मतलब कि हॉस्पिटल गया अभी 11:30 बजे, क्योंकि भाई उस वो जो रिपोर्ट आई है उसमें
कैल्शियम की कमी बताई है। तो गाइस अब भैया ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा कैल्शियम पे, दूध दूध पे। पहले मैं एक डेढ़ डेढ़ किलो दूध पी जा रहा, तो अब वो डाइट ना रही है, जब से जिम वेम छोटी है, चोट वोट लगी है, तो अब डाइट पूरा ध्यान देना पड़ेगा। तो जब भी ओके रिपोर्ट होगा। और आंसू लेगा अभी या कोल्ड कॉफ़ी यार, तो डार्क लग रही, मैं लाइट पीऊँ। अरे पी ले पहले। तो गाइस चलो कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। इधर आंसू कटाना फ्रॉम हरियाणा लेके आया, पता ना कौन था, रात के 12 बजे कोल्ड कॉफ़ी। चलो तो गाइस कोल्ड कॉफ़ी पी लेते हैं। और बिग बॉस कौन कौन देख रहा है? मैं तो बिग बॉस भाई एक भी ना छोड़ रहा हूँ अब के, मतलब मज़ा आ रहा है, मतलब कि तगड़ा मज़ा आ रहा है बिग बॉस में। और किस किस से सपोर्ट कर रहे हो आप, कमेंट करके जरूर बताओ। जय बाबा की। रात के बज रहे हैं भैया एक, और मैंने अपना दूध गर्म करा है, मैं भूल गया सर कहीं मच गया। बहुत ज़्यादा गर्म हो गई, तो चलो गाइस दूध भी लेते हैं अपना भैया, क्योंकि डॉक्टर ने भैया कैल्शियम की कमी बता दिया। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में दो दूध पी के। जय बाबा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग हो रही है, कौन करती है, मैं गाइस पढ़ रही है, मैं अपने घर का सफाई करते हुए 12 बजे वाई फोन लगाते हुए बजा रहा हूं। अंदर क्या हो रहा? अंदर भाई ऊपर हो रहा है, यू नो कि मेरी मदद करवा दे भाई, कुछ कहना चाहोगे? रोटी खा रहे थे और भैया रोटी हो गई है ख़त्म। देखो गाइस क्योंकि हमारे साथ जो दानव लोग हैं कुछ, वो एक उधर है एक इधर है, तो दिखा रहे दानव लोग, टाइम तो खाई नहीं मैंने, कहा दो रोटी खाऊं मैं, दो ही खाई सब खाई लूंगा पतली पतली, तुम रोटी खा रहे दानव। तो गाइस चटनी की अगर स्वाद आ गया, चटनी है अच्छा है, तो रोटी हो चुकी है ख़त्म। अब मंगाई है दूसरे घर से परली रोड से, ये आ गई रोटी। तो चलो गाइस अब रोटी खाते हैं फिर मिलते हैं। एक बार और कर दे गाइस। तो गाइस भैया अपने गाड़ी वाड़ी धोई है बारिश में, और पूरा मतलब कि बाहर से वाइपर वाइपर मार के साफ करो है, और अभी नहा के अपना बाल बाल सेट करके और दिखा देता हूँ भाई बाहर का मौसम। और गाड़ी भी मैंने अपनी चमका दी है, मौसम हो रहा है बढ़िया एकदम। तो चलो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। जय बाबा। हेलो गाइस, तो गाइस व्लॉग का एंड ही ना होगा, देर हो 2-3 दिन हो गए, तू ही कर दे आज एंड व्लॉग का, कर दे व्लॉग का एंड। हाँ व्लॉग का एंड ही ना हो रहा, 3 दिन हो गए। तो गाइस चलो इस व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड, और भैया मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय बाबा की, ऐसी सपोर्ट करते रहो, व्यूज ना आ रहे ज़्यादा, व्यू ज़्यादा आने चाहिए। सब्सक्राइबर तो बढ़ रही है खैर, मगर व्यूज कम आ रही है पहले के मुताबिक। यार एक तो व्लॉग ना डाल रहा हूँ ना मैं, पहले व्लॉग अगर डेली व्लॉग डाल रहे हैं तो उसमें लोग बाग देख, अब डेली अपडेट रह गए, मतलब कि देखते रह गए, अब कम देखे लोग बाग, मुझे लग रहा है। ऐसा मत करो यार, कम मत करो। तो व्लॉग देखते रहो और मिलते हैं कल नए व्लॉग में। जय बाबा। सर बैठाया मलाजो के।